हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी वैलिडेट चैनल में। दोस्तों ये आज आपकी क्लास 8वीं होने वाली है, डीआरडीओ की क्लास चल रही है आपकी। तो दोस्तों अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं वीडियो की प्लेलिस्ट में, ठीक है। दोस्तों ये 8वीं क्लास है तो ये आपको देखना ध्यान से, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 102 नंबर से लेके 125 तक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं और आपने डीआरडीओ का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि 80 नंबर आपके अपने ही क्वेश्चन आने वाले हैं, वेल्डर ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। और 40 जो क्वेश्चन है, 40 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें दोस्तों आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके, जीएस, इंग्लिश सारी चीज़ 40 नंबर में आएगी। और 80 नंबर से केवल आपका अपना वेल्डर ट्रेड थ्योरी आपका पूरा करेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है वेल्डर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया आपको, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो भी हम आज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 102 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फ्रॉम वेल्डिंग 50 mm डाया विद 3.15 mm वॉल थिकनेस, 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपको मैं समझा दूं कि आपका ये पूरा वृत्त है, ठीक है। पूरा वृत्त क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या होता है, व्यास होता है। तो इसमें पूछा है दोस्तों 50 mm का व्यास, ठीक है, 50 mm वाले व्यास यानी 50 mm चौड़ा और 3.15 मीटर की दीवार है, ठीक है। यानी पाइप की जो थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस उसकी मापते हैं, ये कितना है, 3.15 है आपका, ठीक है। तो 3.15 है। तो इसे पूछा है कौन से नोजल का हम इसमें चयन करेंगे और इसको वेल्डिंग करेंगे, तो कौन से नोजल का चयन करेंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा नोजल नंबर 7 का हम चयन करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं दोस्तों आपका 103 नंबर क्वेश्चन पे। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्ड केबल अराउंड द जॉब इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का क्या उद्देश्य है। तो वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का क्या उद्देश्य हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको देगा टू आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं 104 नंबर पे देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिक्सिंग रन ऑफ प्लेट इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का क्या उद्देश्य है। तो रन ऑन और रन ऑफ करने का क्या उद्देश्य है आपका, तो इसका उद्देश्य दोस्तों हमें क्या होता है, आर्क जो है आर्क के झटके को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल आर्क ब्लो आपको हो जाएगा आंसर, आर्क के झटके को नियंत्रित करना। आगे दोस्तों ये 105 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल बाय कीपिंग ए मैग्नेट ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप पॉइंट, ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रख कर किस दोष को नियंत्रित किया जाता है। तो किस दोष को हम नियंत्रित कर सकते हैं उसके ऊपर चुंबकीय पुल रख कर, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये वाला, आर्क के झटके को हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसका नियंत्रित कर सकते हैं, आर्क के झटके को नियंत्रित कर सकते हैं, आर्क पुलों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में पूछा है कि कौन सा दोष है। दोस्तों डायग्राम देख के आपको पहले देखना है, ये तो आपकी जॉब है, ये आपका अर्थ क्लैंप है, ठीक है, ये आपका डीसी पावर सोर्स है और ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर वाली वायर गई है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड थोड़ा साइज बड़ा दे दिया है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपका आर्क निकल रहा है, आर्क जो दोस्तों इस तरफ की ओर जा रही है। तो क्या हो रहा है आपका इसमें, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो रहा है, आर्क का झटका लग रहा है, आर्क ब्लो इसमें हो रहा है, ठीक है। तो 106 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आर्क ब्लो, ठीक है, आर्क ब्लो, आर्क का झटका लग रहा है इसको। आगे देखते हैं, 107 नंबर नहीं है आपका, 108 नंबर पर देखते हैं। 108 नंबर क्या है आपका, विच अमोंग द जॉइंट आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप, कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से जॉइंट जो फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं, तो आपके डी हो जाएंगे, डी जॉइंट आता है, लैप जॉइंट आता है, कॉर्नर जॉइंट आता है, एच जॉइंट आता है, ये ऐसे सारे के सारे आपके किस में आते हैं, फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर देखते हैं दोस्तों, 109 नंबर आपका, व्हाट हैपेंस इन द रूट गैप
इज लेजर देन 1/6 ऑफ प्लेट थिकनेस। यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला वन है, इसका दसवां आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बेस मेटल नॉट फ्यूज्ड टिल द बॉटम ऑफ जॉइंट, बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 109 का आपका हो जाएगा ये दसवां डी नंबर। आगे दोस्तों दसवां क्वेश्चन देखते हैं, 110 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, तो एग्जाम में आने की इसकी संभावना पूरी है। ठीक है, व्हाट आर द लेंथ प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, किस आर की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी दोस्तों आपको पता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, तो कौन सी ध्वनि जो कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है, कौन सी आर की लंबाई, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ये वाला हो जाएगा शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर की लंबाई जो है कड़क ध्वनि जो है उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे चलते हैं 111 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। वट आर्क लेंथ साउंड बी यूज टू रिड्यूस द स्पैटर्स, स्पैटर्स को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो स्पैटर्स अगर हमें कम करना है तो किस आर्क की लंबाई का यूज़ करेंगे हम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, नॉर्मल आर्क लेंथ का हम यूज़ करेंगे, सामान्य आर्क की लंबाई का हम यूज़ करेंगे। आगे आपका 112 है आपका, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है। तो डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत आपको हो जाएगा एक्सेस स्पैटर्स एंड पुअर पेनिट्रेशन, अधिक स्पैटर्स और खराब पेनिट्रेशन आना जो है डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत आपका बताएगा। आगे 113 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप बोल सकते हैं इसको, हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द वेल्ड, आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का क्या नाम देते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप वेल्डिंग करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है कि लास्ट में दोस्तों एक आपका लास्ट में आपका जाके एक होल सा बन जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रैटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रैटर्स बोलते हैं। आगे दोस्तों हम चलते हैं 114 पे, 114 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो दोस्तों ये आपका दे रखा है, एक चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबक के क्षेत्रों का प्रभाव क्या होगा। तो दोस्तों आपका ये इमेज बना हुआ है और इमेज आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपने वेल्डिंग करी है, तो यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह का आपका दिखा रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, पथ का इसमें विचलन हो गया है। ठीक है, तो 114 नंबर का आपका हो जाएगा ये वाला डी वाला ऑप्शन, ये हो जाएगा आर्क इज डिवाइडेड फ्रॉम द ओरिजिन पाथ, आर्क अपने जो है मूल पथ से भटक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 115 नंबर और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर व्हेन द इक्विपमेंट्स इज चेंज्ड फॉर एसी टू डीसी सप्लाई इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने का कौन सा दोष होगा, तो इसका आपका हो जाएगा आर्क ब्लो का दोष होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 116 नंबर पे, 116 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो 116 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर 3.15 डाया एमएस इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग, चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है। यानी दोस्तों जब आप 3.15 मिलीमीटर व्यास वाले इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो आपका करंट जो है क्या होना चाहिए, तो इसका करंट आपका होना चाहिए दोस्तों ये वाला 100 से लेके 110 तक आपका होना चाहिए एम्पियर में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 117 नंबर देखते हैं, 117 नंबर आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्ड इलेक्ट्रोड, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है। तो एक खारिज इलेक्ट्रोड का अंतिम बीट का क्या नाम आपका हो जाएगा, जो अंतिम बीट आपका बज जाती है तो उसको बोलते हैं स्टब एंड। ठीक है, खारिज इलेक्ट्रोड यानी दोस्तों यूज़ हुआ इलेक्ट्रोड आपका। ठीक है, जो दोस्तों आपका यूज़ हुआ इलेक्ट्रोड आपका इस तरह से आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, तो ये जो आपका लास्ट वाला बचता है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम बीट को क्या बोलते हैं, इसको स्टब एंड बोलते हैं, इसको दोस्तों बीट भी बोल देते हैं देसी भाषा में, देसी यानी दोस्तों जहाँ पे आप वेल्डिंग वगैरह का काम चलता है वहाँ बीट बोल देते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों ये है 118 और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम बोल सकते हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ माइल्ड स्टील पाइप आर देयर,
माइल स्टील पाइप में कितने समूह होते हैं, ठीक है, माइल स्टील की पाइप होती है उसमें कितने समूह होते हैं, तो इसका हो जाएगा दो ग्रुप होते हैं, दो समूह इसके होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 119 नंबर देखते हैं, 119 है आपका, हाउ ए पाइप इज स्पेसिफाइज्ड, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी, आउटर डाया एक्स और इनर डाया एक्स लेंथ, बाहरी डायमीटर एक्स और इनर डायमीटर एक्स लंबाई, ठीक है, आपका डी वाला हो जाएगा। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर है आपका, 120 नंबर है, व्हाट शुड बी बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग, 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए, तो बेवल कोण क्या होना चाहिए आपका, ये 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग एज को बनाने के लिए, तो बेवल कोण आपका होना चाहिए दोस्तों ये वाला 30 से 35 डिग्री आपका बेवल कोण होना चाहिए, ठीक है। कितनी मिलीमीटर पाइप का दोस्तों, 6 mm मोटी पाइप के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं 121 नंबर पे, 121 नंबर है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग क्या उद्देश्य है, तांबे के कोटिंग का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, रस्ट प्रूफ, जंग रोधक के लिए हम उस पर क्या करते हैं, तांबे की उस पर कोटिंग करते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा अगर आपने वेल्डिंग की होगी गैस वेल्डिंग वाली, तो ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 122 देखते हैं, 122 नंबर देखते हैं, 122 नंबर दोस्तों आपका क्या है, देखिए ये दोस्तों आपका डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछा है कि कौन सा दोष है, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश में इसको डिफेक्ट बोलते हैं और हिंदी में इसको दोष बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन वेल्डिंग जॉइंट शोन, और हिंदी में इसमें चित्र दिखाया गया वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है, दोस्तों ये आपका जोड़ है, तो कौन सा दोष है आपका, तो इसका दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, जिसमें दोष आपका है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है आपको समझा दूँ, पेनिट्रेशन की कमी, दोस्तों देखते हैं आप यहाँ तक आपका अगर जोड़ जाता था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी थोड़ा सा गैप है, देखिए आपको मैं दिखा दूँ, आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें तो आपको साफ दिख रहा है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में जो है आपका मेटल जो है अंदर तक नहीं गया, तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन की इसमें कमी है, ठीक है। आगे दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 123 है आपका, विच मेटल इज वेल्डिंग प्रोसेस इन सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट, वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है, तो किस धातु को वेल्ड क्षय के अधीन किया जाएगा, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील को, ठीक है। किसको किया जाएगा दोस्तों, स्टेनलेस स्टील को आपका वेल्ड क्षय के अधीन जो किया जाएगा। आगे 124 नंबर क्वेश्चन, 124 है आपका दोस्तों, विच फिलर रोड इज यूज टू ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन मेलेबल आयरन एंड कॉपर, कच्चा लोहा निंदनीय लोहा तांबे की कास्से वेल्डिंग के लिए कौन से फिलर रोड का उपयोग किया जाएगा, यानी दोस्तों ब्रॉन्ज वेल्डिंग, कास्ट आयरन वेल्डिंग और मेलेबल आयरन के लिए कौन सा जो है इलेक्ट्रोड जो है फिलर रोड जो है उपयोग किया जाएगा, तो कच्चे लोहे के लिए हमेशा दोस्तों किसका इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तांबा जस्ता फिलर निकल फिलर रोड, ठीक है, तांबा जस्ता निकल फिलर रोड का हम यूज़ करते हैं कच्चे लोहे को वेल्डिंग करने के लिए, और भी दोस्तों जो मैंने बताया। आगे दोस्तों ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EB 54264H JX रिप्रेजेंट, EB में 54264H JX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या है, तो तीसरा अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें तीसरा अंक जो क्या प्रदर्शित करता है, तो तीसरा अंक आपका प्रदर्शित करता है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार आपको प्रदर्शित करता है, ठीक है, टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन आपका प्रदर्शित करता है तीसरा अक्षर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मैंने करा दिया, लगभग 25 क्वेश्चन कराए मैंने, तो कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।